हे गाइज, वेलकम बैक माई न्यू वीडियो। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे एक नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मैं आया हूँ अब दोस्तों खेत की तरफ। और अभी देख सकते हैं इधर कुछ पेड़ लगे हुए हैं, बहुत अच्छा लगता है छाया। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, हम अपने खेतों में पानी लगाने जा रहे हैं। तो देख सकते हैं अभी पीछे पाइप बिछाया जा रहा है और हम अपने चरी यानी कि कुछ भैंसों का चारा है कर भी उसमें हम पानी लगाने जा रहे हैं। तो सब कुछ मैं दिखाऊंगा, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखना। दोस्तों काफी कुछ आपको सीखने को और काफी कुछ अच्छा नज़ारा देखने को भी मिलने वाला है इस वीडियो में, और मैं आगे ले चलूंगा। इस वीडियो काफी लंबा ब्लॉग होने वाला है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ मेरे गाँव में अभी डेढ़ दो साल पहले, ज्यादा से ज्यादा डेढ़ साल पहले दोस्तों पंचायत भवन बना है, उसकी मैं कंडीशन आपको अभी दिखाऊंगा कि कैसे काम हुआ है। 7-8 लाख रुपए कहाँ गए दोस्तों, आप देखकर खुद ही समझ जाओगे कि इतना सारा रुपए कहाँ गया, कैसा बनाया गया, उसकी हालत कंडीशन सब मैं दिखाने वाला हूँ। सामुदायिक शौचालय भी है तो मैं उसमें दिखाने वाला हूँ, देख कर खुद आप अंदाजा लगाइएगा कि इसका सारा पैसा कहाँ गया, क्या हुआ, वो देख कर आप समझ जाओगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, सब कुछ आपको समझ में आने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना दोस्तों। देख सकते हैं अभी काफी सारी धूप है और अभी हम आ गए छाये में, ये बाइक खड़ी हमारी। देख सकते हैं दोस्तों पानी चल रहा है, पानी जा रहा है आगे खेतों में, और ये हमारा इधर चारा दिख रहा है, सामने आपको दिख रहा होगा ये है उड़द, इसमें भी पानी लगेगा दोस्तों। आगे आपको जो दिख रहा है चारा कर भी उसमें भी पानी लगेगा, और सामने मेरा गांव दिख रहा होगा दोस्तों, आपको देख सकते हैं उधर। और मैं बात कर रहा था पंचायत भवन की, तो वो भी इधर सामने दिख रहा होगा, देख सकते हैं दोस्तों दिख रहा होगा इधर सामने जो पंचायत भवन, उसके बाद जो दिख रहा है वो सामुदायिक शौचालय है। इनकी कंडीशन मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ, सारा डिटेल में अंदर तक दिखाने वाला हूँ। अगर लॉक खुला है तो दोस्तों अंदर तक सब कुछ मैं आज दिखाऊँगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना दोस्तों। अब देख लीजिएगा खेतों में कैसे क्या फसल है, और पास से आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों हवा चल रही है तो कैसे झूम रहे हैं पत्ते। कितना खूबसूरत दृश्य दिख रहा होगा दोस्तों आपको, हवा भी मस्त चल रही, और देख सकते हैं ये है चरी यानी कि करबी, ये भी कैसे लहलहा रही है हवा में। अभी बंद कर दिया गया है दोस्तों, देख सकते हैं पाइप पानी कम हो गया तो पाइप बिछक गया है।
अगर पीना हो तो आ जाओ, मैं पीने जा रहा हूँ। बहुत पाइप फटा हुआ है, तो देख सकते हैं दोस्तों पूरे पाइप में से पानी निकल रहा है और मुझे प्यास भी लग रही, पानी भी यहाँ से निकल रहा है। अब हम पी लेते हैं, फिर मिलते हैं आगे आपसे। है फ्रेंड्स, देख सकते हैं इधर आपको सामने कुछ दिख रहा होगा, मैं पास से जाके आपको दिखाने वाला हूँ और डिटेल में बताने वाला हूँ कि ये है क्या फसल, भी इसे क्यों लगाते हैं। देख सकते हैं दोस्तों ये कुछ स्टैचू जैसे कुछ बना है, तो ये किस लिए लगाया जाता है दोस्तों, देख सकते हैं फसल सुरक्षा के लिए होता है दोस्तों, कि जानवर हैं या नील गाय वगैरह हैं तो वो ना आए, रात में देखें या दिन में देखें तो उनको ये लगे कि कोई इंसान खड़ा हुआ है, इसकी वजह से फसल में ना जाए। देख सकते हैं दोस्तों ये इंडियन जुगाड़ है, है ना मस्त। हे गाइस, देख सकते हैं अभी हम जा रहे हैं, पहले मैं बता चुका ब्लॉग काफी लंबा होने वाला है दोस्तों, तो मैं अभी हम जा रहे हैं बरातशाला की ओर, जो कि बरातशाला पंचायत भवन में बोला था दोस्तों, वो भी मैं दिखाऊंगा, सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते रहे, वीडियो को इसके बिल्कुल मत करना गाइज, सब कुछ मैं डिटेल में जो जो मुझे नॉलेज है, जो जो लोगों से मैंने सुना, सब कुछ बताऊंगा दिखाऊंगा भी, आप भी देख लेना, काफ़ी देखने में बहुत खूबसूरत है दोस्तों, और देखना 7-8 लाख रुपए सुनने में आ रहा था पैसा आया है, तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगाइएगा कि पैसा पूरा लगा है कि नहीं लगा। तो वीडियो अब इस स्टार्ट करते हैं, मैं बैक कैमरा स्टार्ट करता हूँ क्योंकि बैक कैमरे से सब कुछ मैं दिखाने वाला हूँ। तो देख सकते हैं दोस्तों मैं आ चुका हूँ, देख लीजिए इधर ये सामुदायिक शौचालय ही वाला, और फिर वो जो है वो है उत्सव भवन पंचायत भवन, तो देख सकते हैं अभी मैं सब कुछ दिखाने वाला हूँ। ये गाइज केला का वृक्ष है, देख लीजिएगा, और फल भी लगा है, मैं दिखाने वाला हूँ, तो देख सकते हैं आप इसके फल कितना सारा लगा है, कितना देखने में कूल लग रहा है दोस्तों, और इसका पेड़ देख सकते हैं दोस्तों कितने ज़्यादा हैं, ये बढ़ते ही रहते हैं दोस्तों, इनको तो पानी, अगर इसके पास पानी रहे ना तो एकदम निकलता रहता है, नए नए एकदम निकलते रहते हैं। तो देख सकते हैं दोस्तों केला लगा हुआ है, अंग्रेजी में इसे बोलते हैं बनाना, काफ़ी कुछ छाया भी बहुत मस्त है इधर दोस्तों, देख लीजिएगा कितना मस्त नज़ारा, धूप धूप भी है, हवा भी चल रहा है, बादल है, तो कभी कभी छाया भी आ जाता है गाइज, और ये समरसेबल है जो कि पानी हमेशा, इसकी वजह से पानी भरा रहता है इसके पास, केले के पास पानी के ही तो दोस्तों, इनको पानी ही चाहिए, कहते हैं धान पान केला ये तीनों पानी के चेला, जी हाँ दोस्तों इनको तो पानी ही चाहे मिलता रहे, हमेशा ये हरे भरे बने रहेंगे। देख सकते हैं गाइज मैं आ चुका हूँ यहाँ पर स्थान पर, तो सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता दूँ, तो देख सकते हैं ये हैंड पंप है जो कि अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए लगे हुए, और इधर आप देख सकते हैं तो ये सामुदायिक शौचालय, ऊपर देख सकते हैं दोस्तों सामुदायिक शौचालय आपको दिख रहा होगा, बाहर ये अमिताभ की फ़ोटो भी दिख रही होगी आपको, शौचालय आए सबके काम, बच्चे बूढ़े और जवान, देख सकते हैं दोस्तों कलर पेंटिंग इसकी, देखने में कितना कूल या खूबसूरत दिख रहा है। अभी मैं इसके अंदर की पोजीशन आपको दिखाता हूँ कि पूरा बना हुआ है या नहीं बना हुआ, सब कुछ मैं डिटेल में दिखाने वाला हूँ, तो चलिए मैं एक एक करके दिखाता हूँ आपको अंदर बना है कि नहीं बना। तो सबसे पहले हम ओपन करते हैं, देख सकते हैं दोस्तों मैं अंदर आ गया, और अंदर की हालत इसमें देख सकते हैं दोस्तों, सीट है लेकिन कैसे सभी, इसमें भी सीट है, बहुत गंदा पड़ा है दोस्तों, बहुत सारा गंदा, कुछ काम नहीं हुआ। और हम दूसरे वाले में अब चेक करते हैं, इसमें देखते हैं दोस्तों ये स्नान घर एवं, देख सकते हैं दोस्तों स्नान घर एवं दिव्यांग शौचालय है ये, मैं इसको भी ओपन करता हूँ, इसको भी दिखाता हूँ, देख सकते हैं गाइज अभी तो इसमें कुछ काम भी नहीं हुआ, उसी तरह एकदम गड्ढा पड़ा है देख सकते हैं, जो कि अभी 1 साल नहीं हुआ दोस्तों इसको रिपेयर बने हुए दोस्तों। और अब लास्ट वाले में भी मैं दिखा दूँ आपको कैसा काम हो रहा है, इधर आप देख सकते हैं दोस्तों इसमें दोनों तो सीट लगी है, इसमें भी सीट लगी हुई है और इस शौचालय में भी सीट लगी हुई है, लेकिन सब कैसा है बस
नाम का कि बन गया है बाहर से देखने लायक। दोस्तों देख सकते हैं एक भी फिनिशिंग नहीं है इसमें, आप देखकर खुद अंदाजा लगा लीजिए। अब इसकी हालत तो देख ही लिए दोस्तों, तो मैं इसको बता देता हूँ। अब इसको तो लॉक लगा है शायद दोस्तों, अगर लॉक खुला होगा तो मैं आपको अंदर जाके दिखाऊंगा कि है क्या कि कुछ नहीं। अभी देख सकते हैं मैं आ गया दोस्तों ऊपर, आप देख सकते हैं उत्सव भवन, उत्सव भवन ग्राम कालूपुर, ग्राम पंचायत मोहनपुर, चक अल्लीपुर, विकास खंड बबुहा, जिला फतेहपुर। देख सकते हैं दोस्तों, और ये हमारे डिस्ट्रिक्ट के माननीय श्री विकास गुप्ता जो कि विधायक हैं अया और सा के। और अंदर अगर लॉक नहीं होगा तो देख सकते हैं दोस्तों लॉक लगा है। बाकी अभी 2-3 दिन पहले मेरे गांव में शादी थी तो जिसकी वजह से लॉक तोड़ा गया था, चाबी नहीं मिल रही थी, तो इसके अंदर हमें भूसा पाया गया जो कि दोस्तों समझ सकते हैं भूसा रखा हुआ था, जो कि अभी इसको 1.5 साल से ज़्यादा नहीं हुए बने। ये भी इसमें भी लॉक लगा है और इसके अंदर भी मोरम भरी हुई है दोस्तों। देख सकते हैं अगर बारात आए तो एक में भूसा और एक में भरा मोरम। और इसकी हालत ऊपर दोस्तों अभी स्लेप बिल्कुल भी नहीं पड़ी, बारिश में मैं देख रहा था कि पानी भी अंदर जा रहा था कई जगह से। और नीचे बात करूँ तो देख सकते हैं मैं अभी मैं दिखाने वाला हूँ, और ये बाजू में इधर लेटरिंग है, देख सकते हैं उसकी हालत टूटी हुई मुझे दिख रही है। देख सकते हैं दोस्तों टूटी हुई है, और मैं बाजू में देखता हूँ नीचे, आप देख सकते हैं दोस्तों कैसे अभी मात्र 1 या 1.5 साल की बनी हुई है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें 8-9 लाख रुपए सुनने में आ रहा था कि आया है, तो आप समझ सकते हैं कि पैसा कहाँ गया किधर बचाया गया। देख सकते हैं दोस्तों ये टैंक है, और इधर मैं राउंडिंग में घूम जाता हूँ, इधर भी आप देख लीजिएगा जो वहाँ तक पूरी पीछे ज़मीन है, आप नीचे देखिए कैसे चारों बाजू एकदम टूट गए हैं दोस्तों। ये इसका फ्रंट एरिया सामने दिख रहा है, ये इसका फ्रंट एरिया है, देख लीजिए कि दोस्तों ये इसका फ्रंट एरिया है एकदम। और ये सामने से इधर वो रास्ता है, उधर ये मेरे गांव का रास्ता गया है, तो आप देख सकते हैं दोस्तों ऐसे ही हाल ऐसे कंडीशन में गांव में काम हो रहे हैं। जो कि मेरा कहना है दोस्तों कि हमारा डिस्ट्रिक्ट इसी में पीछे, हमारा यू उत्तर प्रदेश इसी में बहुत पीछे दोस्तों, कुछ भी काम के लिए पैसा आता है तो यहाँ सब। देख सकते हैं दोस्तों अभी सब कुछ मैं आपको दिखाया, तो इससे ये पता चलता है दोस्तों कि हमारे यूपी में कितने सारा कुछ भी आता है विकास के लिए, कितना सारा पैसा आता है, तो कितना ज़्यादा लोग खा जाते हैं, तो विकास का ही होगा। जो चीज़ बनता है तो बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिन तक चलता नहीं, तो इसकी वजह से देख सकते हैं हमारा यूपी इसीलिए बहुत ज़्यादा पीछे रहता है दोस्तों। पीछे होने का मुख्य कारण यही है दोस्तों। और अगर आप चाहते हैं हमारे चैनल में ऐसी इंटरेस्टिंग ढेर सारी वीडियो मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आप तक पहुँच जाए। देख सकते हैं दोस्तों ये हमारे फूफा हैं,